गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके, नाउ वी हैव हिंदी क्लास। हिंदी में आज हम पाठ चार वाचन पुस्तक से चित्र वर्णन कैसे होता है वो हम सीखेंगे। देखिए, जब कोई चित्र देखकर हम उसके बारे में कुछ वाक्य बोलते या लिखते हैं उसे चित्र वर्णन कहते हैं। हम यदि कोई भी चित्र को देखकर यदि उसके बारे में कोई भी बात कहते हैं बोलते तो उसे क्या कहते हैं? चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, देखिए पहला पॉइंट, चित्र को ध्यान से देखकर उसकी हर बात के बारे में सोचें। आप कोई भी पिक्चर कोई भी चित्र देखें तो उसकी हर बात छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना है। चित्र को देखकर छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करें। लिखते समय मात्राओं का ध्यान रखें। जिस शब्द को लिखने में कठिनाई आए उसे बोलकर देखो। जो भी शब्द आपको लिखने में दिक्कत आती है उसे आपको बोलकर देखना है। हिंदी में शब्द जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। हिंदी में हम बेटा जो भी शब्द बोलते हैं उसी प्रकार से हम उन्हें लिखते हैं। लिखावट साफ सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में साफ स्वच्छ लिखना चाहिए ताकि सभी को समझ में आए। आइए देखिए, अब चित्र वर्णन करते हैं। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए, आपकी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 35, उसको ध्यान से देखिए, उसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। ठीक है, उसको आराम से ध्यान से देखिए। अब उसमें हमको क्या क्या चीजें दिख रही हैं देखिए। यह चित्र बहुत सुंदर है। यह बहुत सुंदर चित्र है। क्या है? बहुत सुंदर चित्र है। आप इसके अलावा जो भी आपको कोई पॉइंट्स और अलग दिक्कत है वो भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा, यह एक सुपर बाजार का चित्र है। किस चीज का चित्र है? यह एक सुपर बाजार का चित्र है। एक औरत बिल बना रही है। दुकान में सारा सामान रखा है। क्या रखा है? दुकान में सारा सामान रखा हुआ है ना। फिफ्थ पॉइंट, इस चित्र में एक आदमी और एक औरत सामान खरीद रहे हैं। इस चित्र में हमको क्या दिख रहा है? एक आदमी औरत सामान खरीद रहे हैं। तो आपको समझ में आया ना अभी हमने वाक्य कैसे बनाए? कैसे दुकान दिख रही है, एक लेडी है वो बिल बना रही है, सामान रखा है और एक पुरुष और एक महिला यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, है ना। तो चित्र वर्णन समझ में आया आपको अभी? देखिए अब हम दूसरा चित्र देखेंगे, पेज नंबर 36 में। इस चित्र में दो मुर्गियां हैं। इसमें क्या है? दो मुर्गियां हैं। एक आदमी मुर्गी को दाना खिला रहा है। क्या कर रहा है? एक आदमी मुर्गी को दाना खिला रहा है। देखिए छोटे छोटे दाने हैं। मुर्गियों का रंग सफेद है। मुर्गियों का रंग कैसा है? सफेद है। पीछे झाड़ी दिखाई दे रही है। पीछे क्या दिखाई दे रही है? झाड़ी दिखाई दे रही है ना। लगता है मुर्गी दाना खाना नहीं चाहती। कैसा लग रहा है? मुर्गी दाना खाना नहीं चाहती। वो आदमी देखिए आपको पकड़कर दाना खिलाने की कोशिश कर रहा है और ये मुर्गी भी सीधी खड़ी है, दाना नहीं खा रही है ना। तो इस प्रकार से आपको कोई भी चित्र देखकर उसके बारे में वाक्य बनाना आना चाहिए। अब देखिए ये दो में तो हमने देखा है कि इसमें चित्र बनाकर बताया गया है ना। तो अब आप कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।